आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं और उनकी क्या विशेषता है? पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देश भर के 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो सब के सब भारत में ही अवस्थित हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और कथा का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंभू और दूसरा मानव निर्मित। स्वयंभू मतलब ऐसे शिवलिंग जो मानव निर्मित ना हो और स्वयं प्रकट हुए हों। इन्हीं शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। लोक कल्याण के लिए भगवान शिव स्वयं अपने स्वरूप भूतलिंग के रूप में धरती पर विभिन्न स्थानों पर स्थित हो गए। जिस किसी भी मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर शिव भक्त शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य प्रसाद जतन पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष या स्त्री के सारे पाप उसी क्षण जल कर भस्म हो जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को पति रूप में पाकर दक्ष कन्याएं अत्यंत प्रसन्न हुई और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी रूप में पाकर अत्यंत संतुष्ट हुए। सभी पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी विशेष प्रिय थी। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपना दुख सुनाया। उनकी बात सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास जाकर बोले, कला निधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में अलग अलग भाव क्यों हैं? तुम किसी को अधिक किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा भेदभाव पूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने दामाद चंद्रमा से ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब आगे फिर ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने असक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का भी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए और चंद्रमा के पास जाकर बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं और ऋषियों को अपने साथ हुई घटना की सूचना दी। तब इंद्र आदि सभी देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हो गया अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, सुनो। चंद्रमा सभी देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जाप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें सभी उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है, तथापि प्रभु आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जाने अनजाने जो भी अपराध हुए उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। इसके बाद चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं पर प्रसन्न को उस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से संसार में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से उपासक के क्षय और कोढ़ आदि रोगों का नाश हो जाता है। उसी स्थान पर सभी देवताओं ने सोमकुंड
या चंद्रकुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। सोमकुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस किसी भी फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को अवश्य पाता है। जय भोले बाबा की।